हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ लश गेमिंग। और आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि अगर आपको अपना पबजी ग्लोबल अकाउंट यूज़ करना है, क्योंकि पबजी केआर तो बंद हो गया है और अभी मेरे को रिसेंट में ये पता चला है कि पबजी वियतनाम भी केआर की तरह ही अपने सर्वर रेस्ट्रिक्ट कर देगा बाकी कंट्रीज़ के लिए। तो ले देकर एक ही ऑप्शन बचता है हमारे पास कि हम VPN यूज़ करके ग्लोबल को यूज़ करें। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन सा VPN बेस्ट होगा। तो वीडियो को चलो स्टार्ट करते हैं। तो अब हम आ गए हैं हमारी मोबाइल स्क्रीन पर, और जो VPN आपको यूज़ करना है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस VPN का नाम है VPN Hub। अब इसकी शक्ल पर मत जाना, क्योंकि अब ये शक्ल से थोड़ा सा बुरा है। पर अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसके थ्रू आप कैसे गेम को चला सकते हो। इसके अंदर आपको सिंपली सिंगापुर सर्वर कनेक्ट करना होगा, और उस सिंगापुर सर्वर को आप ऐसे नॉर्मली एक्सेस नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो है इसके प्रीमियम वर्जन में, जो कि फ्री वर्जन में नहीं मिलने वाला है। तो मैं आगे चल के वीडियो में लिंक बताऊंगा जिसके थ्रू आप इसका प्रीमियम वर्जन इंस्टॉल कर सकते हो अपने मोबाइल डिवाइसेस में। और ये सिर्फ एंड्रॉयड के लिए काम करेगा, iOS वालों का मेरे को इस पे आइडिया नहीं है। तो चलिए अब मैं आपके सामने ही आपको VPN कनेक्ट करके दिखाता हूँ। अब ये हमारा VPN कनेक्ट हो गया है, और अब मैं आपको पबजी खोल के दिखाऊंगा। तो अब जैसा कि आप देख सकते हो कि पबजी खुल गया है, और इसमें कोई भी वो एरर रेस्ट्रिक्शन कोड नहीं आने वाला है जो जनरली आप बिना VPN के गेम खोलने पर आपको जो आता है। तो यहाँ पर अब हमारा गेम चालू हो जाता है, और इसकी स्पीड भी काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि जब मैं VPN कनेक्ट करता हूँ तो मेरा मतलब थोड़ा सा फास्ट खुल जाता है। मेरा जो कोरियन वर्जन खुलता है उसके कंपैरेटिवली VPN में फ़ास्ट खुल जाता है। और आप देख सकते हो कि मेरी इन्वेंट्री में भी रिसोर्सेज डाउनलोड हो रहे हैं, और किसी भी तरह का कोई इशू नहीं आता है इसमें। और आपको सारे क्रेट्स को भी एक्सेस करने को मिलेगा, सारी ड्रेसेस वगैरह शॉप पर जितने भी आइटम्स हैं आपको सब मिलेंगे। और यही नहीं, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें पिंग कितनी आ रही है। अभी मैं सेटिंग पर जाता हूँ, पहले ये क्लोज़ करता हूँ, सेटिंग खोलता हूँ, और अब स्क्रॉल करके आपको दिखाता हूँ कि MS कितना आ रही है। तो अब ये देख सकते हो आपकी मेरी MS 135 MS आ रही है, जो कि काफ़ी अच्छी पिंग है यार। अब VPN लगा हुआ है, थोड़ी बहुत तो बढ़ेगी। अब आप 60 MS या 40 MS एक्सपेक्ट तो नहीं कर सकते VPN से, बट 135 MS इज़ ऑल्सो गुड। तो अब मैं बताता हूँ कि यार अब इसको डाउनलोड कैसे करना है। इसके डाउनलोड करने के दो तरीके हैं, पहला तरीका भी इजी है, दूसरा तरीका भी इजी है। तो चलिए डाउनलोड करते हैं। तो अब हम वापस आ गए हैं हमारी मोबाइल स्क्रीन पर, और आपको सिंपली करना यह है कि आपके पास क्रोम ब्राउज़र तो होगा या कोई सा भी ब्राउज़र हो, आपको उसे ओपन कर लेना है और टाइप करना है VPN Hub, और एक स्पेस देने के बाद लिखना है हैप्पी मोड। अब ये मैंने न जाने क्या लिख दिया था, हैप्पी मोड पता नहीं कुछ लिख दिया था। तो अब हम लिखते हैं हैप्पी मोड, और अब इसको सर्च करते हैं। तो सर्च करने के बाद आपको ये पेज आ जाएगा गूगल का, और इसमें जो सबसे पहली लिंक है ये हैप्पी मोड लिखा हुआ है, जिसमें यहाँ पर जाना है आपको। और जैसे ही आप इसके पास जाओगे, सॉरी वो मैंने क्या VPN ऑफ नहीं किया था, तो इंटरनेट की स्पीड इसमें थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ हो गई थी। तो आप जैसे ही उसको खोलोगे तो आपको ये पेज दिखाई देगा। वो आइकन भी वही है VPN आपका, वो VPN की वजह से मेरा स्पीड थोड़ा सा स्लो था। और वर्जन एक बार चेक ज़रूर कर लेना कि 2.17.1 हो, क्योंकि ये थोड़ा ओल्ड वर्जन है और ये बहुत अच्छा काम करता है। नए वर्जन में कभी कभी कनेक्शन प्रॉब्लम आ जाती है। तो अब यहाँ पर जाकर आपको डाउनलोड पर क्लिक करना है, और नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो नेक्स्ट पेज पे जाने के बाद एक और बार कंफर्मेशन डाउनलोड बटन होगी, उसको भी आपको क्लिक करना है, और आपका डाउनलोड वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो अब उसको आपको पूरा डाउनलोड होने देना है, और नॉर्मल प्रोसीजर की तरीके से उसको इंस्टॉल कर देना है। और इंस्टॉल करने के बाद आप इस VPN का पूरा प्रीमियम एक्सेस ले पाएंगे। और आपको बस करना यह है कि इस VPN को ऑन करना है, सिंगापुर सर्वर लगाना है, VPN को ऑफ मत होने देना। बैकग्राउंड प्रोसेस में कभी कभी VPN ऑफ हो जाता है, वो उसको ऑफ मत होने देना, और उसके बाद आप आराम से पबजी खेल सकते हो। मुझे तो अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई इससे। लेकिन अगर आपको इतना तामझाम नहीं करना है, तो मैं उसकी लिंक प्रोवाइड कर दूँगा वेबसाइट की डिस्क्रिप्शन में, आप उस लिंक पर जाकर भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो बस यार, आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। अगर आपका ये VPN काम कर जाता है तो यार इस वीडियो को लाइक मारो, और चैनल को करो सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया हो तो, और भी ऐसी टिप्स ट्रिक्स और दूसरी चीज़ों के लिए।
अंटिल नेक्स्ट टाइम टेक केयर, बाय बाय।